हेलो डियर लर्नर्स इस वीडियो में हम जानेंगे एसेक इलीट थ्री पॉइंट बैच के बारे में जैसे कि आप में से ज़्यादातर जानते होंगे कि एसेक इलीट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको डिजाइन किया गया है स्पेशली फॉर एडवांस लर्नर्स ऑफ इंग्लिश के लिए या फिर ये कह सकते हैं एस्पायरिंग टीचर्स ऑफ इंग्लिश के लिए इसका सिलेबस जो है वो मोस्टली जो हमारा अकेडमिक्स लेवल का या कॉम्पिटिशन लेवल का लैंग्वेज का सिलेबस होता है वो होता है सेवेंटी अब सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट के बीच में और थर्टी टू फोर्टी परसेंट जो होता है वो डिफरेंट सिलेबस होता है बिल्कुल अलग सिलेबस होता है जो इसी बैच में है बाकी जगह नहीं होता है और जो हम इसमें इंग्लिश के कॉन्सेप्ट हैं यूज हैं लैंग्वेज को सीखने की जो हमारी अप्रोच होती है वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी अप्रोच दैट वी फॉलो टू लर्न और टीच इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और फॉर एकेडमिक एग्जाम्स तो ये उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है आ इसमें लाइव लेक्चर्स होते हैं लैंग्वेज यूजेज और कॉन्सेप्ट और उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो एडवांस लेवल का एक्सप्लेनेशन होता है साथ ही साथ में एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं प्रैक्टिकल टास्क होते हैं कुछ असाइनमेंट्स होते हैं करने होते हैं कैंडिडेट्स को एलिट लर्नर्स को जिससे कि उनको इंग्लिश को अप्रोच करने की अपनी खुद की समझ डेवलप होती है अपना खुद का उनका एटीट्यूड डेवलप होता है कि इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है कैसे चीजों को समझना है कैसे समझाना है कैसे देखना है ये इसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज भी होती हैं तो ये क्या है प्रोग्राम इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ आज इस वीडियो में ऐसे के लिए प्रोग्राम है क्या स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम एडवांस्ड लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एडवांस्ड लर्नर्स ऑफ इंग्लिश ये उनके लिए एक स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम है हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं इसको और बेहतर किया जा सकता है जितना हम जानते समझते हैं इसको अभी और बेहतर जानने और समझने का स्कोप है बचा हुआ तो ऐसे लर्नर जो हैं जो उस लेवल तक जाना चाहते हैं उस लेवल से चीज़ों को समझना चाहते हैं एक ऐसी कमांड चाहते हैं लैंग्वेज में कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को बना पाए उनको किसी एक पर्टिकुलर बुक पे डिपेंड ना करना पड़े कि उस बुक से ही हम पढ़ के इंग्लिश जान पाते हैं या पढ़ के इंग्लिश पढ़ा पाते हैं कि हम खुद चलते फिरते एक सोर्स बन जाए इस लेवल की हमारी क्लैरिटी है इस लेवल की हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लैंग्वेज की डेवलप हो जाए तो ऐसे लर्नर्स के लिए ये प्रोग्राम है जिसमें इंग्लिश को और इंग्लिस के कॉन्सेप्ट को अप्रोच किया जाता है बिल्कुल ही लॉजिकल तरीके से कोई भी ऐसी बात नहीं जिसका कोई सिर पैर ना हो इस लॉजिकल अप्रोच में समझी और समझाई जाती है अब है कि हु कैन ज्वाइन ए बैच ये लिट बैच है इसको कौन ज्वाइन कर सकता है तो देखिए वैसे तो ये जो प्रोग्राम है एस्पायरिंग टीचर्स ऑफ इंग्लिश के लिए होता है जो तो किसी भी लेवल पे इंग्लिश को डील करते हैं टीच करते हैं एकेडमिक्स के लिए पढ़ाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं वट एवर द पर्पज दे टीच इंग्लिश फॉर किसी भी पर्पज के लिए इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उनके लिए प्रोग्राम होता है कि उनको हेल्प करें जिससे कि वो इंग्लिश को अच्छे से समझ पाए उनको कोई चीज़ें रटने ना पड़े जैसे कि बच्चों से कहा जाता है कि रटना नहीं है रूल्स नहीं याद करने तो ऐसे टीचर्स को भी ना करना पड़े और वो इतना सक्षम हो पाए मतलब दिस कोर्स इज टू हेल्प देम बिकम एबल टू टीच इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड एफर्टलेसली कि टीचर्स जो है वो इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंस के साथ में और एफर्टलेसली पढ़ा पाए तो एडवांस लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एस्पायरिंग टीचर्स ऑफ इंग्लिश उनके लिए बेच होता है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं एनी वन विथ अ लॉजिकल लर्निंग अप्रोच कोई भी ऐसा पर्सन कोई भी ऐसा लर्नर कोई भी ऐसा लैंग्वेज लर्नर जिसको इंग्लिश सीखने की जो अप्रोच है वो लॉजिकल है मतलब वो लॉजिक बेस्ड चीजों को समझना पसंद करता है लॉजिक से चीजों को समझना चाहता है लॉजिक से चीजों को समझाना चाहता है कोई भी ऐसा लर्नर जो है वो उसको बैच को ज्वाइन कर सकता है ऐसे लर्नर्स जो चीजों को समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते या उनको ये लगता है कि लैंग्वेज में नहीं होते हैं।, होते हैं तो उनके लिए तो खैर ये प्रोग्राम नहीं है क्योंकि सारी चीजें उनके ऊपर से बाउंस हो जाती हैं तो कोई भी ऐसा लैंग्वेज लर्नर जो कि लैंग्वेज लर्निंग को अप्रोच करता है लॉजिकली एक रैशनल माइंड रखता है चीजों को तर्क रीजन पर एसेस करता है जो भी पढ़ता है जो भी पढ़ाता है जो भी समझता है जो भी समझाता है वो उसमें एक लॉजिक चाहता है जिसकी रैशनल अप्रोच है तो कोई भी ऐसा लर्नर इस बैच को ज्वाइन कर सकता है अभी जो हमारा बैच है इसका सिलेबस क्या है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी पार्ट ऑफ इसका जो सिलेबस है सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट सिक्सटी परसेंट ही कह लेते हैं सिक्सटी परसेंट सिलेबस जो है वो तो आपका जो एकेडमिक अप टू ट्वेल्थ लेवल का जो लैंग्वेज सिलेबस होता है वो ये जो कॉम्पिटिशन के लिए होता है एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो लैंग्वेज का सिलेबस होता है सिक्सटी परसेंट तो सिलेबस वही होता है लेकिन उस सिलेबस को अप्रोच करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एकेडमिक एग्जाम्स के लिए हम इंग्लिश सीखते हैं तो उस समय जो हमारी अप्रोच होती है ये अप्रोच बिल्कुल उससे अलग होती है तो हम 60 परसेंट तो लीट का जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का और उनका है लेकिन अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है अप्रोच बिल्कुल भी, भी वो नहीं होती जो मैं या कोई भी टीचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एकेडमिक एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाते समय यूज़ करता है वो हो गया फोर्टी सिलेबस जो है वो एक्सक्लूसिव सिलेबस है ये एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव सिलेबस और ऐसे इलेट बैचेस वो इलिट बैचेस का हमारा अपना अलग ही सिलेबस है मतलब वो हमें लगता है कि कोई भी लैंग्वेज लर्नर जो है एडवांस लेवल का लैंग्वेज लर्नर है या कोई टीचर है तो उसको ये चीज़ें भी लैंग्वेज में क्लियर होनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट भी उसको क्लियर होने चाहिए तभी उसके अंदर ओरिजिनलिटी आ सकती है पढ़ते या पढ़ाते समय नहीं तो वो हमेशा किसी को कॉपी करेगा किसी टीचर को कॉपी करेगा उससे पढ़ के वैसा पढ़ाएगा या किसी बुक को कॉपी करेगा कि जिस बुक में लिखा हो उसको वैसे बता देगा उसकी अपनी खुद की ओरिजिनलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी कि वो अपने वर्ड्स में अपनी तरीके से अपनी अप्रोच डेवलप कर पाए तो ऐसा कुछ सिलेबस फोर्टी परसेंट है बैच का जो कि आपको ओरिजिनल बनने में आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा वो एक्सक्लूसिव सिलेबस लीड बैचेस का ही है ठीक है तो ये अगर हम मोटी मोटी बात देखें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमने पूरे सिलेबस को सेवन यूनिट्स में कैटेगराइज कर दिया है लिट का जो पूरा सिलेबस है उस सेवन यूनिट्स में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहली यूनिट जो है वो है सेंस एंड द सेंटेंस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ये जो यहाँ पे यूनिट्स लिखी हुई हैं इन यूनिट्स का डिटेल्ड सिलेबस जो है मतलब डिटेल्ड आउटलाइन जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी अपलोड कर दी गई है तो टेलीग्राम चैनल है एसेक इंग्लिश हालांकि सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा टेलीग्राम चैनल है एसेक इंग्लिश तो उस पर आपको एक डिटेल्ड सिलेबस जो है बैच का वो वहां पे मिल जाएगा पीडीएफ में हमने पूरा दे रखा है कि ये सिलेबस है ये पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे थ्रू आउट द कोर्स तो जैसे एंड द सेंटेंस हो गया कि लैंग्वेज को हम कैसे से या सिचुएशन को लैंग्वेज से हम कैसे रिलेट करते हैं क्या दोनों का रिलेशन है लैंग्वेज केवल बुक्स में नहीं है बुक्स से पढ़ के बुक्स से वीडियो देख कर लैंग्वेज को नहीं सीखा समझा जा सकता है उस पर वो कमांड नहीं आ सकती जो टीचर्स की होनी चाहिए तो उसके लिए आपको सिचुएशंस हैं ठीक है कॉन्टेक्स्ट हैं उन तक जाना होता है तो कॉन्टेक्स्ट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं कौन से फंडामेंटल्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है किसी भी सेंटेंस को उसके कॉन्टेक्स्ट को विजुलाइज करने के लिए तो सेंस एंड द सेंटेंस है ये पहली यूनिट है पहले शुरुआती लेक्चर्स जो है वो इसी पर होंगे उसके बाद में प्राइमरी वर्ड क्लासेस जैसे कि हमें पता है कि लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं वर्ड्स के फंक्शंस वर्ड्स के यूज ही लैंग्वेज में होते हैं जो हमें सीखने होते हैं तो जो प्राइमरी वर्ड क्लासेस हैं डायनेमिक वर्ड क्लासेस जिन्हें हम कहते हैं सबसे पहले हम उनको सीखेंगे सेकेंडरी वर्ड क्लासेस हैं उसके बाद में उनका नंबर आएगा एनाटॉमी ऑफ कॉन्सेप्ट है अब हमें पता है कि बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं कंडीशनल एक कॉन्सेप्ट है निगेशन है ठीक है एस नॉन एस का डिफरेंस है इंटरोगेशन है कंसेशन है ठीक है सिमिलरिटी एंड कंपेरिजन है तो इस तरीके से लैंग्वेज में लैंग्वेज के फंक्शन को बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में कैटेगराइज किया गया है जब हम एकेडमिक्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स के नाम नहीं होते हैं वहाँ पे चैप्टर्स चल रहे होते हैं वहाँ पे टेंस चल रहा होता है वर्ब चल रहा होता है ठीक है वो खैर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं लेकिन ब्रॉड में अगर कैटेगराइज किया जाए पूरी इंग्लिश को तो जो कॉन्सेप्ट हैं हम उन कॉन्सेप्ट की एनाटॉमी को समझेंगे कि उनका बेसिक क्या है वो कॉन्सेप्ट क्यों काम करते हैं किस लिए वो बने क्या उनसे रिलेटेड गलतियाँ होती हैं वो एनाटॉमी ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट है वो हमने मैंशन कर रखे हैं पी में जो मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी आप वहाँ से देख लीजिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का कर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है फिर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग अब अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं किसी ऐसे एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हैं और उनके ऑप्शन हैं उनको टिक करके पेपर देना है तो वहाँ पर पंक्चुएसन सीखना बच्चों के लिए जरूरी नहीं होता लेकिन जो एडवांस लर्नर्स हैं इंग्लिश के या जो आ, टीचर्स हैं उनका जो है पंक्चुएसन पे कमांड होना चाहिए क्योंकि बहुत से लैंग्वेज यूजेस ऐसे होते हैं जो आप तभी सीख या समझ सकते हो जब आपको पंक्चुएसन यूजेज भी क्लियर हो पंक्चुएसन यूजेज नहीं क्लियर होने से हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हो याद करनी पड़ती है तो जो पंक्चुएसन है और स्पेलिंग से वो भी इस सिलेबस का पार्ट है लिटरेरी डिवाइसेस जो होती हैं फिगर्स ऑफ स्पीच हैं लिटरेरी एल्यूजनस हैं बहुत से हमारे लर्नर्स होते हैं उनको केवल ग्रामर बुक्स उन्होंने पढ़ रखी होती है तो ग्रामर बुक्स में जो रूल्स एक्सेप्शन एग्जाम्पल्स लिखे हैं बस उनको उतने याद है ठीक है लेकिन लैंग्वेज को समझने के लिए लैंग्वेज के यूजर्स को समझने के लिए वो को समझने के लिए जो पॉपुलर एंड कॉमन लिटरेरी डिवाइस हैं लिटरेरी एल्यूजनस हैं वो भी हमें क्लियर होने चाहिए वो हमें क्लियर होते हैं तो हम कॉन्टेक्ट्स को बेहतर समझ पाते हैं सिचुएशंस को अच्छे से समझ पाते हैं मीडियम्स को समझने समझाने में हमें आसानी हो जाती है तो लिटरेरी डिवाइस जो हैं और मतलब लिटरेरी एल्यूजनस है वो भी सिलेबस का पार्ट है और ऐसे के लिए कि लास्ट में टीचर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया प्रोग्राम है तो टीचर्स को मदद करने के लिए कि, कि किस तरीके से सिलेबस प्लान करें किस तरीके से डिसाइड करें किन चैप्टर्स किन कॉन्सेप्ट को किस सीक्वेंस में रखना है और किस तरीके से अपने टेस्ट बनाएं किस तरीके से मतलब क्लास में बच्चों को डील करें ये सारी चीज़ें जो हैं पेडावॉजी से रिलेटेड वो भी हमारे बैच में है और वो इस सिलेबस की लास्ट यूनिट है तो ये मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा सिलेबस है वो सेवन यूनिट्स में इन यूनिट्स की डिटेल जो है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है कुछ चीज़ें जो सिलेबस में हैं आप पहले से यू कैन मेक योर माइंड आप पहले से अपना माइंड उस तरीके से तैयार कर लें उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास में लाइव लेक्चर्स होंगे जिनमें आपको समझाया जाएगा प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी आपके डाउट्स डिस्कशन भी होंगे तो वो सारे लाइव लेक्चर्स में होंगे लेकिन आपके लिए कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कंपलसरी हैं अपार्ट फ्रॉम लाइव लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स से हट करें रेगुलर प्रैक्टिकल टास्क लेट लर्नर जो होते हैं उनको रेगुलर प्रैक्टिकल टास्क दिए जाते हैं कोई आपको तो एक टास्क दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे या इस लेक्चर पे इस टॉपिक पे एक लेक्चर प्लान कीजिए या ये एक टॉपिक है एक एक क्वेश्चन है एक लैंग्वेज यूज़ है एक कॉन्सेप्ट है इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए तो वो जो प्रैक्टिकल टास्क होते हैं वो सबके लिए कंपलसरी होते हैं तो जब हम इस बैच में एडमिशन लेंगे तो उस समय हम ये बात ध्यान में रख के चलेंगे कि हमें वो टास्क कंप्लीट करने होंगे और वो सबके लिए कंपलसरी होते हैं नहीं तो ऐसा ध्यान में आता है कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं सीखना तो चाहते हैं कोई बोलने वाला हो वो सुनने वाले हों ठीक है तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप एज ए टीचर नहीं हो पाती है जो मैं चाहता हूँ कि कैंडिडेट्स हमारे जितने सक्षम हों जितने काबिल हों वो तभी बन सकते हैं जब उनके अंदर कुछ तो ओरिजिनल आए चीज़ों को देखने का उनकी अपनी एक अप्रोच डेवलप हो लैंग्वेज टीचिंग लैंग्वेज लर्निंग का अपना उनका खुद का एक स्टाइल डेवलप हो तो वो करने से होगा केवल सुनते रहने से मेरी बातों को नहीं होगा तो उसके लिए टास्क हमने अब सबके लिए कंपलसरी कर दिए हैं तो जब आप इस बैच में एडमिशन लेने के लिए अपना मूड बना रहे होंगे डिसाइड कर रहे होंगे तो उस समय ये बात ध्यान आपको रखनी है कि आपको प्रैक्टिकल टास्क रेगुलर मिलते रहेंगे फ्रिक्वेंसी उनकी कुछ भी हो सकती है वीकली हो सकती है फोर्टनाइटली हो सकती है मंथली हो सकती है लेकिन वो टास्क सबके लिए कंपलसरी होते हैं उन टास्क में ऐसा ही होता है आपको लेक्चर प्लान करना होता है या डिटेल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करना होता है किसी कॉन्सेप्ट को या उस पर वीडियो बनाना होता है साथ ही में एक हम कोर्स रेफरेंस बुक भी चलाएंगे इस बार बारिट बैच में एक कोर्स रेफरेंस बुक है उसका नाम और वो बुक आपको बताई जाएगी इंट्रोडक्शन के वीडियो में जो तो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो लाइव होगा 15 मार्च को हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे लाइव लेक्चर्स का तो उस दिन आपको वीडियो का बुक का नाम बताया जाएगा कि ये रेफरेंस बुक इस कोर्स में चलेगी तो अगर वो आपके पास रेफरेंस बुक नहीं हो हाँ मुझे पता है वो किसी के पास भी नहीं होगी ठीक है तो आपको काफी टाइम दे दिया जाएगा आपको वो रेफरेंस बुक दस बारह दिन का टाइम मिलेगा उस उतने टाइम में आपको बुक मंगानी होगी ठीक है आप मार्केट से खरीदें अमेजन से खरीदें कहीं से भी खरीदें तो बुक का नाम जो है वो ओरिएंटेशन लेक्चर में ही बताया जाएगा वो बुक भी आपको लेनी होगी तो इसलिए अपना मूड बना के रखें कि वो बुक भी लेनी पड़ेगी कंपल्सरी है वो रेफरेंस बुक है हम उसको एज अ रेफरेंस बुक अपने कोर्स में साथ में चलाएंगे रिटर्न यूनिट एग्जाम्स और वाइवा अगर होते हैं बच्चों के साथ में डिस्कशन कोई एक यूनिट हमने कंप्लीट की जैसे हमने पूरा सिलेबस से सेवन यूनिट्स में कर दिया तो जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो उस यूनिट पे टेस्ट होगा एग्ज़ाम होगा ठीक है और वाइवा वगैरह भी हो सकता है तो उसके लिए भी हमें मेंटली तैयार रहना है यूनिट कम्प्लीसन पर अगर कोई टेस्ट है कोई एग्जाम होता है यूनिट का तो वो भी हमें देना पड़ेगा तो ये इस बार से हमने सबके लिए कंपलसरी कर दिया है क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे एज ए कैंडिडेट तभी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आ पाएंगी जो मैं चाहता हूँ जिसके लिए लिट प्रोग्राम है लिट प्रोग्राम केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं है कि मैं आया कह के चला गया आप आया सुन के चले गए मैं आपके अंदर एक बदलाव लाना चाहता हूँ मैं आपके अंदर एक ऐसी अप्रोच डेवलप करना चाहता हूँ इंग्लिश की कि जिससे आप जिन्हें पढ़ा रहे हो उनको भी कल फायदा मिले उनको भी लगे कि सर जी हमारे कुछ ओरिजिनल है ठीक है तो ये सबके लिए कंपलसरी हो गए टास्क ये ध्यान रखना अच्छा सिलेबस और शेड्यूल क्या है तो सिलेबस मैंने आपको बताई दिया कि पी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो लाइव लेक्चर्स हैं लाइव लेक्चर्स जो हुआ करेंगे वो होंगे एट एट पी एम आठ बजे हुआ करेंगे ऑन वीकडेज वीकडेज मींस मंडे टू फ्राइडे तो मंडे टू तो फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी और वो आठ बजे हुआ करेंगे ठीक है तो ये हो गया सिलेबस जो वीओडी सिलेबस है अब क्या है कि ये जो आपका कोर्स है इसमें कुछ चीजें ना आपको वीओडी मिलेंगी तो वो जैसे ही आप एडमिशन लोगे उसी समय आपको तुरंत ही मिल जाएगा वीओडी क्लासेस वीओडी क्लासेस में क्या है आपको मैं बता देता हूं ये आप जैसे ही एडमिशन लोगे उसी समय आपको इनकी एक्सेस मिल जाएगी और आप उनको देखना और इनके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए तो इसमें एक तो आपको मिलेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के लेक्चर्स Basics ऑफ इंग्लिश तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के लेक्चर्स आपको वीओडी में मिलेंगे दूसरा आपको मिलेंगे Elite 2.0 लेक्चर्स Elite टू पॉइंट में हुए जो लेक्चर्स हैं क्योंकि इस बार हमने कुछ सिलेबस नया कर दिया है कुछ पिछले इलेट टू में पढ़ाया था तो आपको वो भी मिल जाएगा तो इलेट टू के लेक्चर्स हैं और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ये आपको वीओडी फॉर्म में मिलेंगे और ये आपको तुरंत ही मिल जाएंगे जिस समय आप एडमिशन लोगे उसी समय आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे ठीक है बाकी लाइव लेक्चर जो है वो आपके आठ बजे से हुआ करेंगे और ये स्टार्ट होंगे फिफ्टींथ ऑफ मार्च से ठीक है फिफ्टींथ मार्च फिफ्टींथ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से आपकी क्लासेस लाइव स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है

वो एलिड कैंडिडेट्स के लिए हमेशा ही अवेलेबल होती हैं जैसे आपके प्रैक्टिकल टास्क हैं प्रैक्टिकल जो टास्क मिलते हैं आपको वो ठीक yeah, है असाइनमेंट्स हैं यूनिट एग्ज़ाम्स हैं बीच बीच में स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए उनके लिए हम वर्कशॉप्स भी लाते हैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं ऑनलाइन मीटिंग्स हैं गूगल मीट पे होती हैं ये हमेशा के लिए फ्री होती हैं इनकी एक्सेस हमेशा एलिट कैंडिडेट्स को होती है भले ही उनका कोर्स पूरा हो गया हो, तब भी इनकी एक्सेस उनको मिलती रहती है कि अगर वो कोई वर्कशॉप है जो एक्टिविटीज़ हैं तो एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं वर्कशॉप्स हैं ऑनलाइन मीटिंग्स हैं गाइडेंस सेशंस हैं काउंसलिंग सेशंस हैं जो इलीट लर्नर्स के लिए होते हैं वो आप हमेशा ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए आप हमेशा एलिजिबल होते हैं वो हमेशा लाभ होते हैं भले ही आपका कोर्स दो साल पहले हो गया हो पाँच साल पहले हो गया हो कभी भी हो गया हो ठीक है तो ये ध्यान रखना है लाइव लेक्चर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है फिफ्टीन मार्च से स्टार्ट होंगे पंद्रह मार्च से स्टार्ट होंगे एट पी ठीक है हाउ कैन वन ज्वाइन ऐसे के लिएट अब बात यह है कि भाई हम एलिड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो इसको ज्वाइन करने का बड़ा आसान सा तरीका है यू कैन ज्वाइन एसेक एलिट बैच ऑन आर एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो डाउनलोड आर एंड्रॉइड ऐप एसेक लाइव एसेक लाइव हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इस पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते तो ये थी कोर्स से रिलेटेड बातें वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है कहना है बताना है तो आप हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं डबल एट डबल एट सेवन एट डबल एट सेवन एट डबल नाइन ट्रिपल वन नाइन वन नाइन फाइव नाइन तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं जिन पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो पढ़िए अच्छे से बढ़िया अच्छे से मिलते हैं जल्दी किसी क्लास में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू